न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कानपुर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई डीजी कॉलेज द्वारा सिविल लाइन स्थित मलिन बस्ती मकबरा में एक निशुल्क स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पार्षद उमर मंसूरी द्वारा किया गया था। डीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संगीता सिरोही ने बताया कि शिविर में सीबीसी ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, शुगर, बीपी ब्लड ग्रुप तथा आंखों से संबंधित विभिन्न रोगों जैसे मोतियाबिंद, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आदि की जांच की गई है। एनएसएस वॉलंटियर्स द्वारा बस्ती में जाकर सर्वेक्षण भी किया गया और लोगों को चिन्हित किया गया जिन्हें कोई संक्रामक या फिर गंभीर रोग है उन लोगों के आगे की इलाज की व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष योजना, दैनिक वेतन भोगी मजदूरों और जरूरतमंदों की निःशुल्क इलाज योजना के अंतर्गत किया जाएगा। मैं डॉक्टर संगीता सिरोही, हम लोग दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर से राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी लोग स्वयं सेवक हैं और आज हम लोगों ने यहाँ मलिन बस्ती मकबरा पार्क में एक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया हुआ है जो एक कानपुर नगर के एक प्रतिष्ठित निजी हॉस्पिटल के द्वारा लगाया गया है। उसमें यहाँ कुलवंती हॉस्पिटल से हमारे बीच में डॉक्टर साहब आए हुए हैं और पार्षद जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इन सभी की सहायता से ये जो कैंप लगाया गया है यहाँ पे बस्ती वासियों की खून। कानपुर के हनुमंत विहार थाने में न्याय न मिलने पर एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ बदहोश और घायल अवस्था में कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची और फूट फूट कर रोकर न्याय की गुहार लगाने लगी। वहीं पीड़ित महिला का आरोप है कि उसे उनके पारिवारिक और लोगों के साथ मिलकर कुराहे डंडों से जानलेवा हमला कर घायल किया गया और जब थाना हनुमंत विहार गए तो पुलिस ने खुद अपने तरीके से एप्लीकेशन लिख दी और मामले में कोई कार्रवाई न करके मामले को दबाने पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। कानपुर पुलिस और इस पूरे मामले की जांच न होने से पीड़ित परेशान है, लगातार पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं मगर उत्तर प्रदेश की सरकार शायद ऐसे आरोपी पुलिसकर्मियों को नजरअंदाज करते नजर आ रही है। अब देखना यह है कि ऐसे मामले में कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र से इस पूरे मामले में जो महिला है, जो पीड़ित है, उन्हें इंसाफ कब तक मिल पाता है। नाम रविता देवी। रविता, आप सब लोग घायल हैं? हाँ। का विवाद हुआ है, कहाँ पर हुआ है? हाँ, बहुत घर में हुआ था। घर में हुआ था, घर में घुस के मारा, इसको उठा लिए जा रहे थे हम बीच बचाव करे तो कुल्हाड़ी ये मारा पैर में और राड मारा जाने सर में जाने कुल्हाड़ी मारी दे कुल्हाड़ी रास्ते राडों से पिटाई की तो बेड से ये प्रवीण लालू पुष्पेंद्र और निर्दोष मोती। महोबा के थाना महोबकंड क्षेत्र में 20 साल के युवक ने अज्ञात कारणों के चलते खुदकुशी कर ली। युवक की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला थाना महोबकंड क्षेत्र के काशीपुर गांव का है। यहाँ के निवासी प्रेमचंद यादव के 20 साल के बेटे जितेंद्र ने अज्ञात कारणों के चलते खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के समय परिजन घर पर नहीं थे, वो अपने खेतों पर काम के लिए गए हुए थे। खेत से लौटे परिजन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका शव लटका हुआ है। उनको राम मच गया। सूचना पुलिस को दी गई। शैलन जी, क्या घटना हुई है? कुछ नहीं, हम लोग हार खेत से जानवर चरा के आए हुए तो जहाँ पर जानवर वगैरह बनते हैं तो वहाँ पर जाके हमने अपने जानवरों को बांधा, अंदर देखा तो बड़े भैया जी वहाँ पर लटके हुए थे फांसी लगा के। क्या नाम है मृतक का? जितेंद्र यादव। किस गांव की घटना है? काशीपुरा। अभी कहाँ आए आप लोग? महोबा। किस लिए? तो उसका पास पीएम करवाने के लिए आए। कोई रंजस वगैरह तो नहीं किसी? नहीं। कानपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस कमिश्नरेट की एक नई पहल से अब गरीब और असहाय तबकों की महिलाओं और बच्चियों के मुकदमे में निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। जिस कक्ष और पोस्टर का शुभारंभ उद्घाटन पुलिस कमिश्नरेट की महिला अपराध ADCP अमिता सिंह ने महिला थाने से किया है। इस दौरान उन्होंने पोस्टर के माध्यम से डिटेल में सेवाओं के बारे में भी बताया। दरअसल गरीब वर्ग की महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े मामलों में समय के साथ साथ ज्यादा पैसा खर्च होता है जिससे महिलाएं आहत हो जाती हैं। इसी को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलकर निःशुल्क अधिवक्ताओं को लगाकर पूरे मामले को देखेंगे, जैसे कि कानूनी मामलों में वकील की सुविधा, कोर्ट फीस या अन्य कार्यों में लगने वाला व्यय हेतु सुविधा सहित अन्य मामलों की निःशुल्क सेवा दी जाएगी। ये पोस्टर हम लोगों को महिला बाल सुरक्षा संगठन से उपलब्ध कराया गया जो प्रारूप में है और इसमें जो विधिक सेवा प्राधिकरण में हमारे नॉमिनेटेड वकील साहब लोग हैं तो एडवोकेट्स के नाम इसमें डिस्प्ले किए गए हैं। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग एडवोकेट्स हैं, जैसे कि आपका आपराधिक, क्रिमिनल और सिविल और राजस्व के, तो वो अपने मामले जो पब्लिक को जहाँ उनको मदद चाहिए होगी, चाहे ट्रांसलेशन में, चाहे
महोबा के थाना कब्रे क्षेत्र में अपने खेत पर काम कर रहे किसान को जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। किसान की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मच गया। मामला थाना कब्रे क्षेत्र के ग्राम छनी कला का बताया जा रहा है। जी, एक बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं इमरजेंसी में, जो कि अचेत अवस्था में आए हैं, और उनका मेडिकल परीक्षण करने के उपरांत हमने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। परिजनों द्वारा क्या बताया? परिजनों के बताने के अनुसार वो स्नेक बाइट का केस है। सर, शव को क्या किया जा रहा है? शव को मॉर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है और पुलिस इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है और पंचनामा। कानपुर ऑपरेशन त्रिनेत्र को और मजबूती देने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट और नगर निगम का समन्वय बनाने के लिए त्रिनेत्र अम्बेसडर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार और नगर आयुक्त शिव शरणप्पा ने एक बैठक कर जानकारी देते हुए बताया कि जो शहर के समक्ष और सम्राट नागरिक है, उनसे आह्वान करते हैं कि शहर का कोई एक चौराहे को गोद लेकर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बेहतरीन क्वालिटी के सीसीटीवी लगाए जाए। 3 साल का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कराकर उसका पूरा ध्यान रखें, जिससे कैमरे का पूरा एक्सेस नगर निगम और पुलिस कमिश्नरेट के पास होगा। जो भी कैमरे लगवाएगा वो अपनी कंपनी की पट्टिका भी लगा सकती है, और जो भी इस कार्य में सहयोग करेगा सांसद विधायक प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। कंट्रोल रूम यहाँ पर सारा फीड आता है, उस जो मुहिम नगर निगम ने शुरू की थी उसी रूम को हम आगे बढ़ाते और उसको और प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का कोशिश किया है हम लोग ऑपरेशन त्रिनेत्र में, जिसके फर्स्ट फेज में हम लोगों ने हर घर कैमरा जारी किया, और हमने शहर के नागरिकों से अनुरोध किया था कि जिनके भी घर हों वो अपने घर के सामने ये कैमरा लगा लें, और काजन जिले में बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। दोनों बाइकों पर हाई स्कूल की परीक्षा देकर लौट रहे थे 4 छात्र। हादसे में हाई स्कूल की परीक्षा देकर लौट रहे छात्र से 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 4 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते मौके पर पुलिस पहुंचे, पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। चिकित्सकों ने घायलों की हालत गंभीर देखकर उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया। एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। श्री गंगा महाराण इंटर कॉलेज और MGRKS इंटर कॉलेज रामपुर से हाई स्कूल की परीक्षा देकर सभी छात्र लौट रहे थे। थाना सिपरा क्षेत्र के गाँव कलानी और गाँव भैंसराशी बघरई के रहने वाले छात्र बताए जा रहे हैं। चमोली के पोखरी ब्लॉक के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय वीणा की शिक्षिका कुसुमलता गढ़िया का चयन राज्य स्तरीय प्रसिद्ध शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए हुआ है। इस मौके पर विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षक शिक्षिकाओं ने उन्हें सम्मानित किया। लोगों ने शिक्षिका का अपनी बेटी की तरह स्वागत किया। ग्रामीणों ने शिक्षिका की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी लगन और मेहनत से आज हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। इस मौके पर शिक्षिका कुसुमलता गढ़िया ने कहा कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह के अविस्मरणीय आयोजन करने के लिए मैं सभी का कोटि धन्यवाद करती हूं, आभार व्यक्त करती हूं। निश्चित ही अध्यापकों के प्रति अपनी सकारात्मक सोच अपने नौनिहालों को भविष्य उज्ज्वल बनाएंगी, ये मेरी कामना है। जनपद चमोली से हमारी शिक्षिका बहन श्रीमती कुसुम गढ़िया जी को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिलने जा रहा है, जो हम सबके लिए और शिक्षा जगत के लिए बहुत ही खुशी के गौरवान्वित पल है। इसके लिए हम पुनः उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। झांसी कानपुर हाईवे पर मोड़ थाना क्षेत्र में दहशतगर्दी की तस्वीर देखने को मिली है, जहां बुधवार देर रात कुछ दबंगों ने शताब्दी बस के आगे कार लगाकर उसे बीच हाईवे पर रोक लिया। झांसी की ओर से जा रही बस को ग्राम अमरा हाईवे पर रोककर बस चालक को धमकाते हुए होटल पर चलने के लिए कहने लगे। जब चालक ने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई, जिससे भयभीत बस स्टाफ ने देर रात मोड़ पुलिस की शरण लेते हुए लिखित तहरीर देकर सुरक्षा दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीलीभीत में युवक को मोबाइल से रील बनाना महंगा पड़ गया। दरअसल पूरा मामला मरिया क्षेत्र के पौड़ा डैम का है, जहां युवक नदी किनारे रील बनाते समय पैर फिसलने से नदी में गिर गया। युवक का पैर फिसलने से नदी में डूबा युवक डैम के तेज पानी के बहाव में बह गया, जिसकी तलाश में गोताखोरों को लगाया गया है। डैम के पास रील बनाना युवक के लिए जानलेवा हो गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने गोताखोरों को नदी में उतारकर शव की तलाश की जा रही है। पीलीभीत के गलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव रामनगरा निवासी शिवपाली मंडल पत्नी शंकर मंडल उम्र 45 साल अपने बेटे सूरज और गांव निवासी रविंद के साथ शारदा पार अपने खेत पर जा रही थी, तभी अचानक गन्ने के खेत से निकले एक बाघ ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। हमले में युवक और गांव निवासी ग्रामीण बच गए। महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। महिला के बेटे और ग्रामीण ने किसी तरह से महिला को बाघ से छुड़ाया, पर तब तक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो चुकी थी। घायल महिला को इलाज के लिए पुरनपुर CSM भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मिली जानकारी के बाद वन विभाग की टीम भी अस्पताल पहुंची है, और साथ ही साथ इस पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है।
रायबरेली के डी कस्बे में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में किया गया ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन। ग्राम चौपाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों ने रजिस्ट्रेशन कराया। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने ग्राम चौपाल में सुनी लोगों की समस्याएं, सरकार के द्वारा लोगों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली। वहीं ग्रामीणों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जानकारी भी दी गई, जिसके लिए कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने गाँव का निरीक्षण करने के साथ ही कस्बे में सेल्फी प्वाइंट का भी निरीक्षण किया। हम लोग सभी आज यहाँ पर ग्राम चौपाल का आयोजन ग्राम डी में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर एक मेरे द्वारा जन चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे समस्त जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये एक बड़ा गांव है। इस जन चौपाल का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जो लाभार्थी परक योजना है, विकास कार्यों की योजना है, उसको धरातल पर उसका एक हम इंस्पेक्शन भी करें और साथ ही जो हमारे लोग हैं उन सभी लोगों से सीधा संवाद करें। जन चौपाल के मुख्य रूप से अंग होता है हमारी जन समस्याओं का सुनने का कार्य और साथ ही साथ जितनी भी लोग। रायबरेली में अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर हाई स्कूल का पेपर देकर रिक्शा से लौट रहे नाबालिग छात्र का कार सवार चार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गाँव के पास का है, जहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बाला में रहकर पढ़ाई कर रही छात्रा कोमल हरचंदपुर हाई स्कूल का पेपर देने जनपद इंटर कॉलेज हरचंदपुर पहुंची थी। पेपर छूटने के बाद वो रिक्शा से अपने विद्यालय वापस जा रही थी, कभी ऑटो पर सवार चार बदमाशों ने रिक्शा को ओवरटेक करके रोक लिया और असले के दम पर जबरदस्ती अपनी कार में बैठाकर भागने लगे। छात्रों को लेकर भागते समय ई रिक्शा सवार उसकी सहेलियां और कुछ महिलाएं जोर जोर से चिल्लाने लगी, तभी भागते समय अपहरणकर्ताओं ने शोर मचा रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने अपनी अपनी मोटरसाइकिल से अपहरणकर्ताओं का पीछा शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर जाकर अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर दो अपहरणकर्ता भागने में कामयाब रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पकड़ गए दोनों अपहरणकर्ताओं के पास से अवैध असलाह, घटना में शामिल कार को बरामद कर लिया है। अपहरणकर्ता की पहचान विकास सिंह, अमर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस दोनों अपहरणकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने ले आई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुंदनगंज पर डिवाइडर पर साइड में डिवाइडर पर खड़ी थी, एक कार जा रही थी, वो एक्सीडेंट किया, वो एक लड़की को हड़प रेप करके मतलब भर के लेके जा रही थी गाड़ी में चोरी से, उसमें 5-6 लड़के थे। फिर वहाँ पे लोग पकड़े लोग भाग गए, कुछ दो लोग को पकड़ भी लिया है, वो गाड़ी हरचंदपुर में आ गई है, तो खड़े है। अच्छा, तो इनका एक्सीडेंट जो हुआ उसी गाड़ी से हुआ है? हाँ, उसी गाड़ी। जैतपुर बारापंकी नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन बृहस्पतिवार को मौथरी गांव में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद उपेन्द्र सिंह रावत उपस्थित हुए। सर्वप्रथम सांसद उपेन्द्र सिंह रावत का बूथ अध्यक्ष राम प्रताप मौर्य ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के नेतृत्व में महिलाओं को योजनाओं में प्राथमिकता देते हुए उज्ज्वला गैस कनेक्शन, निःशुल्क राशन वितरण, महिलाओं के नाम पर आवास और सहायता समूह की महिलाओं के लिए विशेष रूप से कई परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का संकल्प लिया गया है, जिनमें जिले के सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी द्वारा सभी दीदियों से मिलकर प्रधानमंत्री की नीतियों के प्रति जागरूकता प्रेरित करनी है, जिसके क्रम में बृहस्पतिवार को मौथरी गांव में करीब 30 समूह की महिलाओं से मिलकर प्रधानमंत्री की नीतियों के प्रति जागरूक किया गया है। वहीं महाराजगंज में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एक्शन मोड में लगातार सुरक्षा एजेंसियां नजर आ रही हैं। चरस की तीसरी बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है। एसपी सुमित मीना की ये पुलिसिया जाल बिछाया गया था, उसमें 3 ड्रग माफिया पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि 10 किलो और 71 किलो और तीसरा 40 किलो चरस बरामद की गई है। 3 लोगों से कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 90 करोड़ के चरस की बरामदगी की गई है। थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह की टीम ताबड़तोड़ लगातार छापेमारी कर रही है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत एक जूस कॉर्नर पर एक महिला और पुलिसकर्मी के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते दिखाई दे रहे हैं। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताल ने बताया कि महिला और कांस्टेबल के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। हेड कांस्टेबल मुजफ्फरनगर में तैनात है और महिला भी मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। अभी किसी की ओर से कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना सदर बाजार में एक महिला और एक आरक्षी की फोटो वायरल हुई है, वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कि दोनों झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरक्षी पुलिस लाइन में तैनात है और ये काफ़ी समय से इस महिला को जानते हैं, दोनों आपस में परिचित हैं। इनका किन परिस्थितियों में झगड़ा हुआ और क्या कारण रहा, इसकी जाँच की जा रही है। फिलहाल आरक्षी को निलंबित कर इसमें जाँच SP ट्रैफिक को दी गई है और इसमें जो भी तथ्य। गजवाए हिंद को लेकर दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर डाले गए फतवे के मामले में NPCR केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा सहारनपुर DM और SSP को पत्र भेजकर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।
वहीं मामले में सहारनपुर डीएम डॉक्टर निदेश चंद्र ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बाल संरक्षण आयोग के पत्र के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। डीएम निदेश चंद्र ने बताया कि पत्र के संबंध में उच्च अधिकारियों को दारुल उलूम देवबंद भी भेजा गया है। डीएम ने बताया कि जल्द ही पूरे मामले में कार्रवाई कर बाल संरक्षण आयोग को रिपोर्ट भी भेज दी जाएगी। एनसीपीसीआर ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है, साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवंद उसकी तस्दीक कर। सितारगंज में शिव कांवर सेवा समिति मौनी बाबा मंदिर द्वारा 9-11 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। 11 दूल्हों को रथ पर बिठाकर बारात को मौनी बाबा मंदिर से माँ दुर्गा मंदिर तक भ्रमण कराया गया। बारात चढ़त के बाद बारात श्री रामलला ग्राउंड पहुंचने पर पंडितों द्वारा विवाह की रस्म पूरी कराई गई। 11 कन्याओं ने अपने वरों को जयमाला पहनाई और सात तेरे लिए। विदाई के दौरान माहौल भावुक हो गया। गुरुवार को मौनी बाबा मंदिर से 11 रथों में दूल्हे सवार हुए। ढोल नगाड़ों और बैंड धुनों के साथ बारात कटीमा रोड से निकली। करीब 9 वर्षों से लगातार शिव कांवर सेवा समिति द्वारा सरल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया जा रहा है। शिव कांवर सेवा समिति के महंत आनंद बोरा जी द्वारा ये वाकई में एक सराहनीय कार्य आयोजित किया जाता है, जिसमें शहर के उद्योगपति, शहर के राजनीतिक लोग और सभी लोगों का सहयोग रहता है। इस बार भी गुरुवार को उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चल रहे विकसित भारत संकल्प मेगा प्रदर्शनी में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉल्स पर जाकर स्वदेशी उत्पादों की जानकारी ली। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल द्वारा संचालित परिचित फाउंडेशन और भाजपा संगठन द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है, जिनमें डीआरडीओ, इसरो और भारतीय मानक ब्यूरो जैसी सरकारी एजेंसियों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल्स के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं को मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प 2024 की मेगा प्रदर्शनी जो हरिद्वार में यहाँ आयोजित हो रही है, इसमें हजारों जो लोग हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं। देश को कैसे विकसित भारत के रूप में हम लोग उसमें योगदान कर सकें, इस प्रदर्शनी का एक महत्वपूर्ण इसमें एक योजना है। मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने 10 वर्ष काम किया, देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उस 10 साल का। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया के साथ।